तो बड़ी खबर आपको बताते चले, स्वाति बालीवाल से बदसलूकी का मामला, आरोपी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रो पड़ी स्वाति बालीवाल, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, स्वाति बालीवाल से बदसलूकी का मामला, आरोपी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई, और कोर्ट में सुनवाई के दौरान रो पड़ी स्वाति बालीवाल। तो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत पर सुनवाई, और इस दौरान पीड़िता स्वाति बालीवाल भी मौजूद हैं, जिन्होंने विभव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले में हियरिंग हो रही है, और देखिए आरोपी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हो रही है, और कोर्ट में सुनवाई के दौरान रो पड़ी स्वाति बालीवाल। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे, बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए विभव कुमार के वकील ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि स्वाति बालीवाल ने सीएम के ड्राइंग रूम की जगह इसलिए चुनी क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी नहीं, वह जानती थी कि वहां कोई सीसीटीवी नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी जगह चुनी है जिसके बाद आरोपों को आसानी से लगाया जा सके। तो देखिए इस पूरे मामले में बैक टू बैक कई खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर हियरिंग जारी है। सुनवाई के दौरान विभव के वकील ने यह भी कहा कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य है और इस कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। विभव के वकील ने स्वाति के बयान को पढ़ा है, वकील ने यह भी कहा है कि वह उन्हें कॉल कर रही थी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गया। सुमित, आरोपी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर हियरिंग, और इस दौरान यह भी जानकारी कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान रो पड़ी स्वाति मालीवाल, इस सुनवाई में क्या कुछ तमाम अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त विभव कुमार हैं, उनकी जमानत पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है। विभव कुमार के जो वकील हैं एन हरिहरन, वो लगातार दलील दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से 308 को लेकर जो धारा लगाई गई है वो सेशंस कोर्ट में लंबित है, और ऐसे में उन्हें इस आधार पर जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि जो भी FIR दर्ज की गई है वो सोची समझी है, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई थी उसके 3 दिन बाद FIR दर्ज करने का कोई आधार नहीं बनता है, और जानबूझकर ये सोची समझी साजिश के तहत विभव को फंसाने की कोशिश हुई है। और जिस तरह से सीएम आवास पे जो घटना स्वाति मालीवाल बता रही हैं, ऐसी घटना हुई ही नहीं है वहाँ, और फिलहाल इस पूरे मामले में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। यहाँ तक कि विभव कुमार के जो वकील हैं उन्होंने सीधे तौर पर स्वाति मालीवाल पर सवाल खड़ा किया और कहा कि स्वाति मालीवाल के किसी भी अंग पर कोई भी चोट के निशान नहीं है, गैर इरादतन हत्या का सवाल ही कहां उठता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो जहां तक चोट की बात स्वाति मालीवाल कह रही हैं वो खुद से भी चोट स्वाति मालीवाल लगा सकती हैं। इस आरोप पर स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में मौजूद थी और वो रो पड़ी क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना था कि जो डिफेंस के वकील आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, और सीधे तौर पर तमाम बातों का जो है वो जिक्र विभव कुमार के वकील कोर्ट रूम में कह रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जो हैं वो जो भी विभव कुमार पर आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है और गैर इरादतन का मामला यहाँ नहीं बनता है। तो फिलहाल दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, थोड़ी देर में इस पूरे मामले पर अब स्वाति मालीवाल का के जो वकील हैं और दिल्ली पुलिस के जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखना शुरू करेंगे। बिल्कुल, देखिए विभव के वकील ने अपना पक्ष रख दिया है स्वाति मालीवाल को लेकर, ये जानकारी की हियरिंग के दौरान उन्होंने रोया भी है। और देखिए एक बड़ी जानकारी ये भी है कि वकील की तरफ से ये कहा गया कि ये जमानत याचिका विचार योग्य है, विभव के वकील ने ये कहा है। सुमित जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो इस पूरे मामले में 308 का जो मुकदमा लगा है वो फिलहाल जो मौजूदा कोर्ट है वो इसकी सुनवाई नहीं कर सकती है क्योंकि 308 का जो मुकदमा है वो कल्पेबल अटेम्प्ट टू होमिसाइड का पूरा मामला बनता है जिसमें 3 से लेकर 7 साल की सजा होती है। ये जो धारा में जो FIR दर्ज होती है इस पर सेशंस कोर्ट को ही सुनवाई का अधिकार है। इस पर विभव कुमार के वकील का कहना था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है इस मामले की ही सुनवाई कर सकती है और उन्हें जमानत दी जा सकती है क्योंकि इस पूरे मामले में वो दिल्ली पुलिस के जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। ऐसे में उन्हें इसी कोर्ट से जमानत दी जानी चाहिए और यह पूरा मामला जो है इसी कोर्ट के जुरिडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार में बनता है।
फिलहाल विभव कुमार के जो वकील हैं उनका कहना है कि वो दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने के तैयार हैं। जब भी दिल्ली पुलिस उन्हें बुलाएगी जांच में सहयोग करने के लिए वो मौजूद रहेंगे और इस आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। फिलहाल एन हरिहरन जो विभव के वकील हैं उन्होंने लगभग दलील कंप्लीट कर ली है। अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं अतुल श्रीवास्तव वो अपना पक्ष रखना शुरू करेंगे और निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस यहाँ जमानत का विरोध करेगी विभव का, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज ही इस पूरे मामले में कोर्ट फैसला सुरक्षित रख सकता है। चलिए सुमित, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।